जहाँ है मैं विश्वास दिलाता हूँ भला ही नहीं आप छोड़िए केंद्र सरकार को, नहीं चाहिए केंद्र सरकार का पैसा। रखिए नरेंद्र मोदी जी पैसा रखिए अपने पास, जिंदा है पालन सर जिंदा है। एक एक लोगों को लाऊंगा, किसी को भूख से मारे नहीं दूंगा, सबको जमीन बेचना पड़े जमीन बेच दूंगा लेकिन सब खाना खिलाऊंगा। आज बीजेपी वाला कहता है कि मोदी आहार, जान भी मार रहे हो और मोदी आहार का बात करते हो, जो आहार बांट रहे हो वो हमारा आहार है, हेमंत सोरेन का आहार है। इसलिए बंद कीजिए, मोदी आहार की आवश्यकता नहीं है। मैं तो लगातार बांट रहा हूँ, तुम्हें क्या बोलूंगा, सोनिया गांधी आहार, राहुल गांधी आहार बोलूंगा मैं? मुसीबत में क्या हम नाम देंगे? इतनी गंदी सोच, बंद कीजिए ये सब। मजदूर का कोई मजदूर जो है मेरा भाई है, उसके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए आप लोग। हमारा बेटा है, हमारा मजबूत बेटा है, कोई मजदूर को कोरोना नहीं होगा। मजदूर से प्यार करें, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, भेजिए उन लोग मुसीबत में, लाइए उन लोगों को। मजदूर से मजदूर नहीं आएगा मेरे एरिया में, क्यों नहीं आएगा मजदूर भाई? क्या रोके थे ट्रंप को आप लोग? ट्रंप फैलाया कोरोना ने इंडिया में, उसको रोकने का औकात नहीं है आपको, लेकिन मजदूर को रोकिएगा? कोई मजदूर नहीं रुकेगा मेरा, आइए। आता है उसको होम क्वारंटाइन करेंगे हम लोग, अगर हाँ लक्षण देखेंगे तो उसको हम लोग सरकारी क्वारंटाइन में डालेंगे, उसको इलाज कराएंगे। लेकिन क्या करें, मजदूर कोरोना फैला रहा है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजदूर है तो इरफान अंसारी है, मजदूर है तभी हमारा देश है। मजदूर के प्रति इतना गंदा सोच मत रखिए, और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा ट्रेन भेजने का काम कीजिए, झारखंड हो या बंगाल हो, भारी संख्या में हमारे लोग फंस गए हैं, ट्रेन नहीं भेजा जा रहा है पर्याप्त मात्रा में। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ मोदी जी से, सेंट्रल का ट्रेन है, जितना पैसा था हम दे रहे हैं, पैसा देने को तैयार है, ट्रेन क्यों नहीं दे रहे हैं? ट्रेन भेजिए, हमारे मजदूर को लाइए, मजदूर से कोई कोरोना नहीं फैलता है। जहाँ है मैं विश्वास दिलाता हूँ भला ही नहीं आप छोड़िए केंद्र सरकार को, नहीं चाहिए केंद्र सरकार का पैसा। रखिए नरेंद्र मोदी जी पैसा रखिए अपने पास, जिंदा है पालन सर जिंदा है। एक एक लोगों को लाऊंगा, किसी को भूख से मारे नहीं दूंगा, सबको जमीन बेचना पड़े जमीन बेच दूंगा लेकिन सब खाना खिलाऊंगा। आज बीजेपी वाला कहता है कि मोदी आहार, जान भी मार रहे हो और मोदी आहार का बात करते हो, जो आहार बांट रहे हो हमारा आहार है, हेमंत सोरेन का आहार है। इसलिए बंद कीजिए, मोदी आहार की आवश्यकता नहीं है। मैं तो लगातार बांट रहा हूँ, तुम्हें क्या बोलूंगा, सोनिया गांधी आहार, राहुल गांधी आहार बोलूंगा मैं? मुसीबत में क्या हम नाम देंगे? इतनी गंदी सोच, बंद कीजिए ये सब। मजदूर का कोई मजदूर जो है मेरा भाई है, उसके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए आप लोग। हमारा बेटा है, हमारा मजबूत बेटा है, कोई मजदूर को कोरोना नहीं होगा। मजदूर से प्यार करें, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, भेजिए उन लोग मुसीबत में, लाइए उन लोगों को। मजदूर से मजदूर नहीं आएगा मेरे एरिया में, क्यों नहीं आएगा मजदूर भाई? क्या रोके थे ट्रंप को आप लोग? ट्रंप फैलाया कोरोना ने इंडिया में, उसको रोकने का औकात नहीं है आपको, लेकिन मजदूर को रोकिएगा? कोई मजदूर नहीं रुकेगा मेरा, आइए। आता है उसको होम क्वारंटाइन करेंगे हम लोग, अगर हाँ लक्षण देखेंगे तो उसको हम लोग सरकारी क्वारंटाइन में डालेंगे, उसको इलाज कराएंगे। लेकिन क्या करें, मजदूर कोरोना फैला रहा है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजदूर है तो इरफान अंसारी है, मजदूर है तभी हमारा देश है। मजदूर के प्रति इतना गंदा सोच मत रखिए, और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा ट्रेन भेजने का काम कीजिए, झारखंड हो या बंगाल हो, भारी संख्या में हमारे लोग फंस गए हैं, ट्रेन नहीं भेजा जा रहा है पर्याप्त मात्रा में। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ मोदी जी से, सेंट्रल का ट्रेन है, जितना पैसा था हम दे रहे हैं, पैसा देने को तैयार है, ट्रेन क्यों नहीं दे रहे हैं? ट्रेन भेजिए, हमारे मजदूर को लाइए, मजदूर से कोई कोरोना नहीं फैलता है।